I'm hoping that everyone would be in a good health. And so this is chapter number nine, diversity among animals. So let's start our today's topic. Today's topic is classification of chips and superclass agnetha But uh, you know, these are pretty easy topics. By the way, interesting too. And that's my favorite chapter as well. Classification of chart and superclass agnetha. First of all, I welcome you all in my today's lecture. And um,

कॉर्टर्स किस तरह से डिवाइड हुए हुए हैं कॉर्डर्स किस तरह से उन्हें ग्रुपिंग उनकी की हुई है जस्ट टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड राइट सो आपने सिर्फ इसको समझना है थोड़ा सा याद इसको नहीं करना आपने बट जस्ट फोकस ऑन एवरी थिंग राइट सो लुक एट दिस दिस इज द फर्स्ट प्रोटोकॉल डेटा राइट इज इट हैज टू सब ग्रुप्स राइट फर्स्ट इज प्रोटोकॉल डेटा एंड क्रेनी एटा या वर्टिप ठीक है सो जो आपके पास क्रेनि एटा एक, एक ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है ग्रेनियेटा. ठीक है एक तुम लोगों होंगी तो जिनके जिनके विदाउट ही नहीं, है, है नहीं हड्डी नहीं बनी हुई सर की ठीक है ना एक रेनिया वो सो नो ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम यू कैन सी एट दू नो कैप्शन में लिखा हुआ भी है कि ब्रेन बॉक्स नहीं है क्रेनियम ही नहीं है और क्रेनिएटा द रिकॉर्ड और बाय द वे क्रेनियम डेवलप हो चुकी है और चूँकि फर्स्ट ग्रुप्स थे तो फर्स्ट ग्रुप्स में तो क्रेनिएटा प्रॉपरली नहीं डेवलप हुआ हुआ था लेकिन ऐसा एक रीजन ज़रूर बन गया था जहाँ पे ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर ब्रेन एक्यूमुलेट किया गया जा चुका था राइट right? सो so, अब जो ए क्रेनिया के प्रॉपर्टीज प्रार्ट, थी एक तो ये कि उनके पास क्रेनियम नहीं था दूसरा उनकी जो बॉडी थी उनमें जो नोटोकॉर्ड थी वो परसिस्टेंट थी ठीक है ना वो हमेशा उनकी बॉडी में रही इस ग्रुप को इन्होंने दो सब फाइलम में डिवाइड कर दिया गया यूरोकॉर्ड डेटा एंड सफेलोकॉर्ड डेटा राइट इस ग्रुप को ए या फाइलम क्रेनिएटा भी इसको कहते हैं

दो लाइने डाली एग्नेथास्टोमेटा नग्नेथाजो कॉल्डो साइक्लोस्टोमेटा कहीं पढ़ लो कहीं साइक्लोस्टोमैटा पढ़ो तो अः अब तुम्हें ये लफ्ज नहीं तुम लोग पढ़ लो कि साइक्लोस्टोमेटा है तो इसका मतलब भी एग नेथा ही होगा ठीक है नेथोस्टोमेटा और साइक्लोस्टोमेटा दो ग्रुप्स थे नाउ एग नेथा ग्रुप जो है वो फर्दर डिवाइडेड हो गया इनटू टू ग्रुप्स मिगजिनी इन से फैलो स्पाइडोमोरफाई अब ये जो एग नेथा ग्रुप था इसकी स्पेशलिटी क्या थी इसकी स्पेशलिटी ये थी कि सर तो बन गया स्क्रीनियम तो है

फर्दर आपके पास दो क्लासेस है नॉस्टिक थीज ठीक है ना और टेट्रापो में फिर वो सारे हैं नीचे एमफीबिया रेप्टीलिया लेकिन असल में आपनेटा

अब वो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जैसे किताब में प्रेजेंट है और जो हमने करनी है फाइलम कॉर डेटा के दो ग्रुप से कॉर जिसका एक क्रेनिया नाम है और दूसरे ग्रुप का नाम है क्रेनियटा फाइलम कॉर डेटा एंड क्रेनिएटा एक आप लोग बताओगे एक मतलब जिनका क्रेनियम नहीं है एबसेंट है और ये नोटोकॉर्ड भी इनके अंदर है इनके अंदर वर्टिपल कॉलम प्रेजेंट नहीं है सब फाइलम यूरोटा

ठीक है सब फाइलम वर्टिब्रेटा की फर्दर दो क्लासेस हैं सुपर क्लास एग्नेथा एंड सुपर क्लास नेथोस्टोमेटा सुपर क्लास जो एग्नेथा है उसकी आगे दो क्लासेस हैं मैंने अब क्योंकि पूरा वर्ड लिखने की जगह नहीं थी ये सब फाइलम एसपी एससी सुपर क्लास और सी इज फॉर क्लास नाउ एग्नेथा हैज टू क्लासेस सेफेलो एंड मेक्सिन मिख्जीन, मेक्सिनी Okay. Two classes, One, two classes. Spider, morphine, and I am hoping and now you are well understood about the topic, about the classification. Nethrostomata is divided into all of the classes of the vertebrates. That is chondrichthase, austichthase, amphibia, reptilia, apes and finally the mammals. So this is the whole of the classification of the phylum core data. इसको एज इट इज इस वाले टेब, टेबल के इस वाले इमेज इमेज के इसके ले लो और अपने पास कॉपी पे बना लो इनको ताकि तुम्हें एक दफा ड्रॉ कर लोगे तो आइडिया हो जाएगा फिर उसी को बार बार देखते रहोगे तो बस क्लियर और रिवाइज करना भी आसान हो जाएगा ओके नाउ डिस्कस करते हैं सुपर क्लास एग्नेथा सुपर क्लास एग्नेथा डिवाइड इन टू मेन क्लासेस टू मेन क्लासेस हैं और मिगजिनी और सेफेलो स्पाइडोमोरफाई मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि दो क्लासेस हैं मिगजिनी एंड सेफेलो स्पाइडोमोरफाई ठीक हो गया अब जो क्लास मिगजिनी है ना ये इसकी शेप है आपको फिगर नजर एक रह आ रही है सांप की तरह की कोई चीज़ लग रही है ई लाइक बॉडी कहते हैं इसको इसकी बॉडी कैसी है ई लाइक बॉडी है गोल सी स्लाइमी सी और स्नेक की तरह की ईल आपने अगर देखी हुई भी ईल भी एक फिश होती है ईल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये साइज में कम है स्नैक कह देते हैं वैसे तो स्नैक जैसी भी है लेकिन स्नेक टेपरिंग होता है ना पीछे से उसका पतला होता चला जाता है तो इसलिए इसको स्नेक नहीं कहा गया लेकिन ईल कह दिया गया क्योंकि ईल का साइज भी ऐसा ही होता है मतलब कि बहुत लंबी नहीं होती वो और वो थे सिलेंड्रिकल भी होती है और वो आ, स्लाइमी भी होती है लेगलेस बॉडी है ठीक है

ये जो नीचे आपको मेम्ब्रेन सी नजर आ रही है फिर आपको ये नजर आ रहा है ये इसका कॉर्डल फिन है जो सरस, नीचे सरफेस पर भी प्रेजेंट है जिससे ये स्विम करती है तो कैसे कैसे पॉइंट्स पॉइंट हमने देखने से पता चल जाएगा आपको बस एक देख लेते हैं, ना मतलब उसका इमेज क्रिएट हो जाता है जब इमेज क्रिएट हो जाता है तो बस आपने उसको ही रिकॉल करना है तो समझ के ध्यान से पॉइंट्स याद कर लिया करें अब आपको देखने में इसमें क्या क्या नजर आ रहा है एक्सटर्नल गिल पोर्स नजर आ रहे हैं स्किन पे स्केल्स नजर नहीं आ रहे बॉडी सिलेंड्रिकल है राउंड है ईल लाइक -like है और फिन पे फिन तो है ही नहीं अबल तो हमें नजर ही नहीं आ रहे जो फिन है वो कॉर्डल फिन है वो पूरी स्किन पे ही प्रेजेंट होता है स्किन ठीक है और डॉर्सल फिन नहीं है सिर्फ कॉर्डल और वेंट्रल फिन है, so, तो है वो कॉर्डल फिन है वो पूरी बॉडी पे प्रेजेंट है वेंट्रल साइड पे और फिन फिन साइड पे कोई नहीं है और पेयर्ड भी नहीं है मतलब जैसे हमारे दो हाथ हैं इसलिए उसके मतलब समझो उसके पास पेयर्ड में नहीं है उसके हाथ तो फिन है ना वो फिन में पेयर्ड की फॉर्म में नहीं है तो ये तो मेगजीन थी अब देख रहे हो किस किस्म की ये शक्ल होती है इसकी इस किस्म की होती है तो बार बॉडी पे पोर्स नजर आ रहे हैं ये गिल्ल ओपनिंग्स है और ये आगे से मुंह नहीं बना हुआ ठीक है जॉन ही बना हुआ तो ये आगे इस तरह की कोई चीज शक्कर सा लगा हुआ है ठीक है ना किस सी चीज लग रही है ये जो एक और नज़र आ रही है ये इसका मुंह तो आपने देखा कि अजीब सी कोई चीज़ है हैक फिश, हैक फिश फिश के बारे में इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको ये स्कवेंजर होती है वल्चर पता है ना आप लोगों को पता ही होगा वल्चर जो उसके सामने कोई जानवर मर रहा हो तो पहले उसका वेट करते हैं वो मर जाएगा तो फिर खाते हैं उसको जिंदा नहीं खाते तो ये भी स्कवेंजर है ये भी डेड बॉडीज खाती है डेड बॉडी ईटर है डेड बॉडी का फ्लैश है या डेड बॉडी का ब्लड है तो यही इसका फूड है सो देन इज फिशिज़ में एग्नेथा के जो जॉलेस फिश हैं एक बात तो याद रख लें आपके एग्नेथा जॉलेस फिशेज हैं वर्टिब्रेट्स नहीं कहा जाता इनको क्योंकि इनके अंदर नोटोकॉड प्रजिस्टेंट होती है और इसके अंदर कार्टिलेज स्कल भी जो होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है खैर ये पॉइंट्स आप ना भी करो बस ये याद रखो कि ये जॉलेस हैं और इनके अंदर नोटोकॉड होती है

और फिन भी है ठीक है ना ये एक फिन ये दूसरा फिन इसका मतलब है कि फिन मिगजीन में नहीं था पर सफेलो में है फिन अच्छा इसके अलावा इसके पास भी ये गिल स्लिट है और मुंह उसी तरह का कोई जॉ नहीं बने हुए आगे एक शक्कर लगा हुआ है मुंह पे ठीक है ना ऊपर अपर जॉ लोअर जॉ नहीं है ओके सो क्लासिफाइड लो स्पाइडर मॉर्फाई में वन और टू मीडियन अभी भी दिखा के आई हूँ ऊपर वाली सर्फिस पे दरमियान में लगे हुए हैं मीडियन फिन डॉर्सल साइड पे नो पेयर्ड इसमें भी दो फेंस नहीं देखे आपने एक डॉर्सल यानी कि दो ऊपर ही लगे हुए हैं मीडियम फिन की फॉर्म में डॉर्सल फेंस और पेयर्ड की फॉर्म में नहीं है और अपनेडिजिज उन्हीं को कहा जाता है अपेंडिजेज वो होते हैं हाथ पाओं जो लटक रहे होते हैं मेन बॉडी से और सो दैट इज़ दर्टेंट बॉट दिस सो कॉर्डल फिन एक्सटेंड इंटीरियरली अलॉन्ग दसल सर्फेस अब मैंने पहले भी बताया था कि फिन उसमें मिगजीन में नीचे वाली फिन के साथ में मिक्स होकर रहता है और इसमें कॉर्डल फिन जो है वो इस तरह से एक्सटेंड हुआ हुआ है कि ड्रॉसल uh, फिन के साथ जाके टच करता है ड्रॉसल सर्फेस पर

जबान के ऊपर देखो कितनी सारी रोज ऑफ टीथ लगे हुए हैं ठीक है ना बाइटिंग माउथ है इसका और ये देखो उन्होंने टोंग से पकड़ के टंग बाहर निकाली है टंग पे देख रहे हो आपके रोज ऑफ टीथ प्रेजेंट है सो तो बाइटिंग माउथ टू रोज ऑफ एवर्सिबल टर्न आउटवर्ड टीथ इन क्लास मैगजीनी सो तो इसके अंदर इसकी टंग के ऊपर जबान के ऊपर दांत होते हैं और जब ये

और टंग है टंग के ऊपर दांत है वो मैंने भी आपको दिखाई और जनाब रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं रिप्रोडक्शन जनाब ऐसे करते हैं कि सेपरेट है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है नो लार्वल स्टेज तो लैम्परे का थोड़ा सा आपको लाइफ साइकिल बताती हूँ कि जो सेक्सेज सेपरेट है मेल फीमेल अलग अलग है डायोशियस ग्रुप है ये भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है लाइक फॉर एग्जाम्पल लैंपरे में ऐसे होता है कि मेल जो होते हैं ना स्टोन के थ्रू एक नेट टाइप बना देता है न, आ, और वहाँ फिर किसी ना किसी वेट करते हैं फीमेल लैम्परेज के आने का फिर जब फीमेल लैम्परेज वहाँ पहुँचती हैं तो वो एग्स ले करके चली जाती हैं फिर उन पर स्पर्म्स ये ड्रॉप करता है वहाँ फर्टिलाइजेशन होती है और अर्ली केयर मेल लैम्प्रे करते हैं इंटरेस्टिंग बात है कोई लार्वल स्टेज नहीं है और वो निकलते ही फॉरन ट्रेवलिंग के लिए शुरू हो जाती हैं और एक ख़ास पैटर्न उनका लाइफ साइकिल का है वो इस साल के कोर्स में नहीं है तो बस आप इन्जॉय करें सो ज वट इज देयर सेक्शुअल रिपोर्डक्शन सो दैन इज एग्जाम्पल ऑफ एक्न्स फिश है मैंने को बताया था और जो है पैरासाइट होती है और स्केलेटन दोनों का कार्टिलेजनस है और दोनों ही वर्टिब्रेट्स ट्रू वर्टिब्रेट्स में शामिल नहीं है लेकिन बाकी ग्रुप से काफ़ी बेहतर बॉडी डेवलप्ड है सो ऑल द बेस्ट दैट इज दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड दैट इज ऑल अबाउट द मिगजीन एंड द हैक फिश एंड आई एम होपिंग कि आपको बात समझ आ गई है हैक फिश के बारे में कोई से तीन पॉइंट्स बताएं तो आप तो नहीं बता सकते तो मुझे ही बतानी पड़ेंगे तो पहला पॉइंट मैं बता रही हूँ कि हैक फिश एक किस ग्रुप से बिलोंग करती है मिगजीन मिग्जिनी से ठीक है पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे इट बिलोंग्स टू मिगजनी दूसरा बॉडी हैज सेवन टू एट पेयर्स ऑफ और गिल्स फिर आप कहोगे